हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40 फीट बाई 32 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। फ्रेंड्स, आप इसको गांव और शहर दोनों के हिसाब से रख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के वन साइड रोड है और थ्री अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है, ये हमारी मेन एंट्री रहेगी और यही एंट्री हमारी कार पार्किंग के लिए रहेगी। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ से ये हमारा पोर्च एरिया यानी पार्किंग एरिया रहेगा 9 फीट बाई 17 फीट का। यहाँ आप कोई सी भी गाड़ी आसानी से पार्क कर सकते हैं। दूसरी एंट्री आपके लिए ऑप्शनल रहेगी, आप यहाँ से दूसरी एंट्री दे सकते हैं। ये हमारा स्टेयरकेस ब्लॉक रहेगा, यहाँ से ये अप करेगा, सेपरेट स्टेयरकेस रहेगा, ग्राउंड फ्लोर को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। पार्किंग से ये एंट्री सीधा हॉल में होती है। इस तरफ हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, ये हमारा देख सकते हैं पूरा सिटिंग एरिया रहेगा। इस वॉल पर टीवी यूनिट, यहाँ फ्रेंड्स ओटीएस रहेगा और इस कॉर्नर में हमारा टेम्पल रहेगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा कॉर्नर है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। इस साइड फ्रेंड्स ये हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा और डाइनिंग एरिया के इस साइड ये थोड़ा सा यहाँ हमने पैसेज देखे, ये बाथरूम प्लान किया हुआ है और ये हमारा WC रहेगा। इस तरफ ये हमारा किचन रहेगा जिसका साइज 8 फीट 4.5 इंच बाई 11 फीट 4 इंच है, जिसमें ये एल से प्लेटफॉर्म रहेगा, ये गैस स्टोव रहेगा, ये सिंक रहेगा, इस कॉर्नर में हमारा फ्रिज रहेगा। किचन के वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमने OTS दे रखा है, तो OTS में किचन का वेंटिलेशन खुलेगा। यहाँ से एंट्री करते हैं, ये हमारा पहला बेडरूम रहेगा 15 फीट बाई 10 फीट का, जिसमें ये बेड, ये हमारा टीवी यूनिट, इस तरफ ये हमारा बाथरूम रहेगा। यहाँ से फिर आप एंट्री करेंगे, ये हमारा दूसरा बेडरूम रहेगा जिसका साइज 12 फीट बाई 14 फीट 4.5 इंच रहेगा, जिसका वेंटिलेशन इस साइड रहेगा रोड की साइड और टॉयलेट और WC का भी वेंटिलेशन रोड की साइड रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 40 फीट बाई 32 फीट का बहुत ही शानदार नक्शा। आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए हुए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।